शहद के उपयोग से बारिश में नहीं आएंगे बीमारियां। हम सब जानते हैं कि बारिश के मौसम में जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान हमारे शरीर के इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाते हैं और ज़रा सा बारिश में भीग जाने की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर आयुर्वेद की माने तो हमारे पास शहद है जो एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरी होते हैं। शहद का एक चम्मच रोजाना सेवन करने से हमारा शरीर बारिश का तमाम बीमारियों से बचा रह सकता है। आइए जानते हैं शहद हमारी रक्षा कैसे करेगी। शहद में एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधक गुण होते हैं जो खांसी और गले की समस्या में राहत प्रदान करती हैं। वो लोग जिन्हें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उनके लिए भी शहद लाभकारी है। एक कप गर्म पानी में एक चम्मच नींबू का जूस और एक चम्मच शहद मिक्स के धीरे धीरे सेवन करना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाइए। शहद में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो संक्रमण से लड़ने से सहायक होती है। एक चम्मच शहद, एक चम्मच अदरक का रस और नींबू का रस मिलाकर गर्म पानी के साथ पिए, सबसे आपसे इम्यूनिटी बढ़ेगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाए। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। ये बैक्टीरिया और जर्म से लड़ने में मदद करती है। बारिश की वजह से कोलेरा और डायरिया ना हो जाए इसीलिए आपको शहद का सेवन करना चाहिए। शहद में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो एक अच्छा बैक्टीरिया होते हैं। ये पेट संक्रमण और फूड पॉइजनिंग से आपको रक्षा करेगी, इसीलिए रोजाना एक चम्मच शहद का सेवन करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक बटन को प्रेस करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।